हेलो एवरीवन, स्विंग ट्रेडिंग जसपाल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं इस चैनल पर वही सब स्टॉक लेके आता हूँ जिनका आने वाले टाइम में ब्रेकआउट हो चुका होता है या आने वाले टाइम में ब्रेकआउट हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टॉक का नाम बता देता हूँ। स्टॉक का नाम है एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी मैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड एजुकेशन पर्पज से, लर्निंग पर्पज से जितने भी वीडियो लाता हूँ, एक भी आपसे मिस ना हो। तो चलिए इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चार्ट दिखाता हूँ। ये वीकली टाइम फ्रेम खुला हुआ है इस चार्ट का, एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड का। और आप देखें, ये जब भी 370-380 के पास जाता था यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता था। देख लीजिए, यहाँ इससे पहले मई में भी इसने एक बार ट्राई किया, वहाँ से इस रेजिस्टेंस फेल करके फिर ये नीचे आ जाता है। यहाँ पे एक बार फिर ट्राई किया था, फिर यहाँ पे ट्राई किया, फिर ट्राई किया, मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, छः बार, सातवीं बार। तो ये सातवीं बार इसने सक्सेसफुली इसको उसको पार कर लिया है। और नीचे वॉल्यूम भी अभी देख सकते हैं, लगातार चार छः हफ्तों से वॉल्यूम भी ज़बरदस्त है, जबकि अभी मिड कैप शेयरों और स्मॉल कैप शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट है। मगर उसके बावजूद इस सीजन में अगर वॉल्यूम के साथ अगर इसमें काम हो रहा है तो आने वाले टाइम में ये देख सकते हैं आप इसे। ये किसी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये ऑनली लर्निंग पर्पज़ और एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आपको चार्ट अच्छा लगता हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए, उनके कंसल्ट के बाद ही आप किसी भी स्टॉक में बाय या सेल करें। तो आने वाले टाइम में ये 4 से 6 महीनों में इसका जो पहला टारगेट रहेगा वो इसका 450 रुपया और दूसरा टारगेट 480 रुपया। ये आसानी से पॉसिबल लगता है मुझे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।